नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। सो आज के इस वीडियो के लिए वी हैव अ न्यू केस इन द हाउस फ्रॉम कूलर मास्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलर मास्टर के लेजेंडरी H500 ARGB गेमिंग केस के बारे में। जानेंगे इस कैबिनेट के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स के बारे में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि कूलर मास्टर इज गिविंग अवे 1 कूलर मास्टर लिमिटेड एडिशन गोल्डन MM711 माउस और 10 टी-शर्ट्स। पार्ट लेना बहुत ही आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूलर मास्टर इंडिया फैन क्लब का फेसबुक पेज का लिंक है, वहां से जाकर पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और उस पेज के साथ में अपडेटेड रहिए इस गिव अवे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात कर लें इस केस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे आप फील करेंगे कि एक्चुअली में जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा प्रीमियम है इस केस की। अभी जो डिज़ाइन है, हालांकि इसको काफ़ी ब्रांड्स ट्राई कर चुके हैं कॉपी मारने का और बहुत ही बुरी तरह फेल हो चुके हैं इसमें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जितना मर्जी नैनो जितना मर्जी कोशिश कर ले बड़ा बनने की, लेकिन रोल्स रॉयस नहीं बन जाती। तो सेम इज विद दिस केस, बहुत ब्रांड्स ने ट्राई किया इस डिज़ाइन को कॉपी मारने का, बट एक्चुअली में जो कूलर मास्टर का ये मास्टर केस सीरीज आती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम केसेस आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, लुक्स की बात कर ले, हर एक चीज़ में ये बहुत ही बेहतरीन केस माना जाता है। फ्रंट पर यहाँ आपको फुल मेश दिया जाता है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं साथ में आने वाले एक्रेलिक पैनल के साथ। यहाँ आपको 200mm के ARGB फैंस दिए जाते हैं फॉर एयर इनटेक। फ्रंट पर अगर आप चाहें इस केस में तो आप यहाँ पर एक 360mm तक का AIO या फिर एडिटर माउंट कर सकते हैं। यहीं आपको इसका IO पैनल भी मिल जाता है जहाँ आपको 2 USB 3.2 के पोर्ट्स, 2 USB 2.0 के पोर्ट्स, एक 3.5mm ऑडियो जैक, एक 3.5mm माइक जैक और साथ ही में एक ARGB कंट्रोलर मिल जाता है जो कि इसके बैक साइड पर आपको मिलता है। टॉप पर आपको केस को कैरी करने के लिए ये हैंडल मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट कर रहे हो आप अपने पीसी को तो कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको एक प्री इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिल जाता है एंड टॉप पर आप अप टू 240mm का AIO या फिर 120mm के दो फैंस इंस्टॉल कर सकते हैं। रियर पर आपको एक प्री इंस्टॉल्ड 120mm का नॉन RGB केस फैन मिलता है फॉर एग्जॉस्ट, जो अभी मैंने फिलहाल यहाँ पर रिमूव कर रखा है। आप चाहें तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक RGB फैन यहाँ पर लगा सकते हैं उसके बजाय। केस को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, तो साइड से आपको यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो टेम्पर्ड ग्लास विंडो है वो देखने को मिलता है। इसके नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको 7 PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आ जाता है इस केस का सबसे पहला कॉन जो कि मैंने नोटिस किया। अब यार मैं बिल्कुल तैयार बैठा था कि इतना बढ़िया कैबिनेट है, इतना प्रीमियम मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मतलब इस केस का जो प्राइस है इट्स एक्चुअली 10,200 rupees, तो 10,000 rupees खर्च कर मैं एक कैबिनेट बाय कर रहा हूँ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैंने अपने केस में से पीछे जो मेरा मेन रिग है मैंने वहाँ से अपना PCI एक्सपेंशन केबल जो थी वो निकाल ली थी, ये सोच के कि यार इसमें वर्टिकली अपने कार्ड को माउंट करेंगे और फिर जो लुक्स आएंगे मज़ा ही आ जाएगा मतलब देख के, बट फिर मेरा दिल टूट गया ये देखकर कि यहाँ पर आपको कोई भी वर्टिकली माउंट करने का ऑप्शन मिलता ही नहीं है इस केस में। यू हैव टू माउंट योर ग्राफिक्स कार्ड हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर ऐसा कोई स्पेस नहीं है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने कार्ड को वर्टिकली माउंट कर पाएँ। तो ये है इस केस का कॉन नंबर 1 कि अगर आप इतना महंगा केस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्टिकली माउंट करने का ऑप्शन आपको दिया ही जाना चाहिए। वन गुड थिंग अबाउट दिस केस इज कि यहाँ पर आपको मेरा जो प्रेफर्ड स्टाइल वाला PSU श्राउड होता है यानी कि फुली क्लोज PSU श्राउड वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता कोई क्यों करेगा, लेकिन अगर आपको सारा मेसी देखने का मन करता है अपने PC को तो आप रिमूव कर सकते हो। वैसे उसका मेन पर्पस यही होता है PSU श्राउड का कि आपके बिल्ड को थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन लुक जो है वो दे, तो वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया जा रहा है जो कि एक और प्लस पॉइंट है इस केस का। इसके अलावा जो केस है वो बहुत ही इनफ स्पेशियस है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, बड़े से बड़ा मदरबोर्ड, बड़े से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर फिट हो सकता है एंड हर एक चीज़ के लिए इनफ क्लियरेंस आपको दिया जाता है। केबल मैनेजमेंट का भी इस केस में बहुत ही अच्छा खासा स्कोप है, इनफ अमाउंट ऑफ राउटिंग्स एंड कटआउट्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी केबल्स को अच्छे से राउट कर सकते हैं, जिप टाई कर सकते हैं और केबल मैनेजमेंट को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ फ्रंट पर आपको 2 3.5 inch के ड्राइव बेस मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी हार्ड ड्राइव्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही में आपको 2 2.5 inch के ड्राइव बेस भी मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बात कर लें इसके बॉटम की तो यहाँ पर आपको 4 स्टैंडिस मिलती है और साथ ही में आपको मिलता है इसका PSU डस्ट फिल्टर जो कि इंश्योर करेगा कि आपके केस के अंदर जो आपका पावर सप्लाई यूनिट है वो फ्रेश एयर को इनटेक करते करते साथ साथ डस्ट का एक्यूमुलेशन ना बढ़ा दे, तो उसका ये जो डस्ट फिल्टर है वो इंश्योर करेगा कि आपका जो केस है वो नीचे से गंदा ना हो, पावर सप्लाई के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एंटर ना करें। बाकी ओवरऑल लुक्स के मामले में यार ये केस बहुत अमेजिंग है, तुम यहाँ पर देख ही सकते हो आपके सामने रखा हुआ है जो क्वालिटी है RGB की, जो कि आपको लाइटिंग की क्वालिटी देखेंगे तो मतलब ऐसा नहीं लगता देखकर कि चीप क्वालिटी के यहाँ पर RGB फैंस यूज़ हो रखे हैं, जो लाइटिंग की क्वालिटी है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल पर है, बहुत ही अच्छी है। और ये मैं रेकमेंड करूँगा केस उन लोगों को, यार देखो अगर आप 1,00,000 rupees 1,20,000 मतलब 1,00,000 से 1,50,000 rupees के बजट में अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हैं ना
तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस केस के साथ में जाएं। अगर आप इससे नीचे पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो प्लीज कट ऑफ ऑन द केस, थोड़ा सा केस में सेव कीजिए, अपने कंपोनेंट्स की तरफ इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एस्थेटिक्स के बजाय आप जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेव कर अपने कंपोनेंट्स पर लगाइए। अगर आपका बजट जो है वो लाख रुपए से ऊपर है तो डेफिनेटली आप इस केस को एक ऑप्शन जो है कंसिडर करके चल सकते हैं। बाकी बात कर ले इसके प्राइस के हिसाब से कि क्या ये केस जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को, तो देखिए पहली बात बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत अमेजिंग है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लाइटिंग की क्वालिटी अच्छी है। केस का जो अंदर का आप एक होता है ना बिल्ड एक्सपीरियंस की, जब आप एक पीसी बिल्ड करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो इस केस का जो बिल्ड एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बात कर लें वहीं ऑन द अदर हैंड कॉन्स की, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन जो कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल माउंट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जाता, जो कि मेरे लिए एक सेटबैक है कि इतने महंगे केस में एक वर्टिकल माउंट जो था उसका ऑप्शन जो था वो दिया जाना चाहिए था। और इसके साथ में जो है अगर आप एक और कॉन की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में जो बाकी केसेस आते हैं आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको बोथ साइड्स जो है ड्यूअल 360 mm रेडिएटर का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि फ्रंट पर भी लगा सकते हो और टॉप पर भी लगा सकते हो। बट इस केस में आप सिर्फ फ्रंट पर एक 360 mm माउंट कर सकते हैं, टॉप पर आपको 240 तक का ही ऑप्शन मिलता है। तो ये दो मुझे लगे इस केस के जो कि कॉन्स थे। तो अगर गाइस आप बाय करना चाहते हैं इस केस को तो इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप आज ही अपने लिए इस केस को ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।